जीवन में जो सवाल के दायरे में नहीं है लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम सचमुच में जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है तो अपने आप को एक क्वालिटी विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस विधा को हम डेवलप करेंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे और वो है गुणों के पुजारी बनना। किसी में भी हम गुण देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं तो हम उसके पुजारी बनते हैं। उससे उसको तो ताकत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमारा स्वभाव बन जाता है कि जहां भी देखें अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करें, कैसे अच्छा है वो ऑब्जर्व करें, उसको हम स्वीकार करने का प्रयास करें, खुद को उसमें ढालने का प्रयास करें, इनोवेट करने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। अगर हम ईर्ष्या भाव पनपने देते हैं, देखो यार ये तो मेरे से आगे हो गया, देखो उसका कुर्ता तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, देखिए यार ये इसके तो परिवार में इतना अच्छा वातावरण है, उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, अगर यही कॉम्पिटिशन मन में पड़ी रहती है तो हम धीरे 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 बहुत ही अपने आप को छोटा करते जाते हैं। हम कभी बड़े नहीं बन सकते। हम औरों के सामर्थ्य को, औरों की विशेषताओं को, औरों की शक्तियों को जानने समझने का सामर्थ्य विकसित करेंगे तो उन विशेषताओं को अपने में लाने का सामर्थ्य अपने आप विकसित होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि जीवन में जहां भी मौका मिले जो विशेष है, जो अच्छा है, जो सामर्थ्यवान है उसके प्रति आपका झुकाव होना चाहिए। उसको जानने का, समझने का, स्वीकार करने का बहुत ही उम्दा मन होना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, कभी भी हमारे मन में प्रतिशोध की भावना पैदा नहीं होगी, हम एक बड़े आनंद और सुख की जिंदगी जी पाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ और मैं शिक्षा विभाग का अभिनंदन करता हूँ कि इतना शानदार कार्यक्रम आप सब ने योजना की और आप सब नौजवानों से मुझे मिलने का मौका मिला। कुछ लोगों को लगता होगा कि मोदी परीक्षा की चर्चा क्यों करते हैं, एग्जाम्स में तो ठीक है, टीचर ने बहुत कुछ समझा दिया होगा, आपको लाभ होता है कि नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है, मेरा लाभ होता है। मेरा लाभ ये होता है जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं 50 साल छोटा हो जाता और मैं अपने आप को आपकी उम्र से कुछ सीख करके ग्रो करने की कोशिश करता हूं, यानी मैं मेरी पीढ़ी नहीं बदलती है, मैं आपके साथ जुड़ने के कारण हमेशा आपके मन को समझता हूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझता हूं, मेरी जिंदगी को उसमें ढालने की कोशिश करता हूं और इसलिए ये कार्यक्रम मुझे बनाने में काम आ रहा है, मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने में काम आ रहा है और इसलिए मैं आपके बीच आता हूं। मुझे आज अपने को ढालने के लिए, अपने को घड़ने के लिए, खुद को कुछ सीखने के लिए आप सबने समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।